तो हम लोग होमवर्क स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन दिया था ये वाला। हाँ इसका आंसर बताओ यार क्या आ रहा है, कैसे करना चाहिए। देखिए ग्राफ पढ़िए, एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के लिए। ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है, ठीक है, इनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अरे बेटा कल की क्लास में ही तो हमने ये बात समझी थी कि जब भी किसी चीज का स्लोप निकालते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। स्लोप बराबर होता है m, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या यहाँ पे कह लो आप डी एक्स बाई डी टी, और इसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री के बराबर। जरा सॉल्व करो इसको, देखो कुछ बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे। सॉल्व करो आप लोग, मैं चेक करता हूं जब तक। 40 हाइट कैसे है, क्या हो रहा है, 40 40 अच्छी आ रही, 120 आ रहा है, सॉरी सॉरी 120 120। हाँ यहाँ कंफ्यूजन होना ही चाहिए था, हाइपोटेनियस क्यों निकाल रहे हो सर, हाइपोटेनियस थोड़ी पूछा है किसी ने। अरे भैया पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है ना, तो पहले पोजीशन जीरो थी, बाद में पोजीशन क्या हो गई 40 हो गई। ध्यान से सुनो, ऐसे समझो इसको, ये हम जीरो पर खड़े हैं, अब हमारी हम ए पॉइंट पर आ गए, ए पॉइंट पर आ गए तो हमारी पोजीशन कितनी हो गई 40 मीटर। कितना चल गए हम, 40 मीटर चल गए। ए से फिर हम 4 सेकंड बाद कितना चल गए सर, हम वापस जीरो पर आ गए। तो ये मैं अपने आप को नीली लाइन से ड्रॉ करता हूं, मैं ऐसा चला और वापस जीरो पर आ गया, ठीक है। फिर जीरो के बाद 4 सेकंड के बाद क्या हुआ, 4 सेकंड के बाद ना आप वापस नीचे आए, नीचे आए मतलब क्या, आप वापस पीछे की तरफ चले गए ओरिजिन से। कितना चले गए, -20। पोजीशन टाइम ग्राफ है यार ये तो, -20 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, -20 मीटर के बाद आप वापस जीरो पोजीशन पर आ गए। अरे यार तुमने डिस्टेंस कितना चला, 40, फिर ये वाला 40, फिर ये वाला 40, और फिर ये वाला 40 बच्चों, ये वाला 20, ये 20 और ये 40, 40, 120 मीटर। अब आया सभी को समझ में, बोलो ना यार। क्लियर है, अच्छा। अब सेम जो नीचे मैंने ये पोजीशन का सिचुएशन बनाई है, इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है सर, पार्टिकल ए पॉइंट पे से चालू हुआ था या ओ पॉइंट पे से चालू हुआ था और घूम फिर के ओ पे आ गया। अब ग्राफ पे पढ़ना सीखो, ओ पे चालू हुआ था, वापस 6 सेकंड बाद ओ पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे, बताओ ना यार डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे, जीरो। क्या बोलने वाले हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब पूछा है एवरेज स्पीड, अरे एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला तुम जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां से यहां तक में टाइम लगा 6 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0/6। क्या क्वेश्चन इजी था, बना था आप लोगों से,
देखो कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। पोजीशन टाइम ग्राफ को समझो, पोजीशन टाइम मतलब जब यहां खड़े हैं तो जहां खड़े हैं वहां का कोऑर्डिनेट। अगर यहां दिया होता 70 तो मतलब हम कितना चल गए होते ए पॉइंट पे, हम कहां आ गए होते 70 पे, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर, जिसका नहीं हुआ हो लिख लो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो। इसको सोचो थोड़ा सा, पहले तुम्हें सोचना है क्या कह रहा है। द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, ठीक है भैया। पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू चिल्ड्रन इज गिवन, चिल्ड्रन ए एंड चिल्ड्रन बी। दो बच्चों का पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये वाला जो है ये किसका है, ए का है। मैं ए का थोड़ा रेड कलर से बना देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये किसका है, ए का है ना। अब पी और क्यू क्या है, उनके घर हैं, स्कूल ओ, और ओ क्या है उनका, स्कूल है। पी और क्यू क्या है, होम, ठीक है, इन दोनों का घर है। ए का घर कौन सा है, ए का घर है पी, और बी का घर कौन है, क्यू, ऐसा हमको क्वेश्चन में कहा है ना। पहला पूछा है, अभी क्वेश्चन ना थोड़ा समझने वाला है। ए ऑब्लिक बी लिव्ड क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए, कंपेयर करना है। मैं एक करके बताता हूं, देखना। ए और बी में से स्कूल के पास कौन रहता है, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली वो। तो स्कूल ये रहा और घर ये रहा। जिसका घर पी होगा वो स्कूल के पास होगा, और जिसका घर क्यू होगा वो स्कूल से दूर होगा। अरे बच्चों ऐसे ही तो पढ़ते थे यार अपन ग्राफ, बोलो ना यार। तो पी किसका घर है, ए का, और बी किसका, क्यू किसका घर है, बी का। तो आंसर दिया होगा ए लिव closer to school than B. समझ आया? चलो फटाफट एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये भी करो 3 और 4, मतलब ये वाला 3 क्वेश्चन के सारे पार्ट करो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। सेरिन थोड़ा जल्दी बोल देती है यार। स्लोप ऑफ XT ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो यहां पर ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। दिमाग लगाकर बताओ, क्या थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, क्या टेन थीटा 2 बड़ा होगा टेन थीटा 1 से। ओहो, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी है ना, वो बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ ए से। वेलोसिटी ऑफ बी जो है ना वो बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ ए से। इसका मतलब बी जो है ना वो तेज चल रहा होगा ए से। गॉट इट एवरीवन या नहीं? बी जो है ना वो तेज चल रहा होगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी रीच एट द होम सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। अभी तो तुम खुद ही जवाब दे सकते हो यार, इसमें मैं क्या बोलूंगा। देखो टाइम कहां आ रहा है, पहले तुम लोकेशन मार्क करना सीखो। घर कहां पर है, सर इसका जो घर है ना वो ये है, इस लाइन पे मिलेगा। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, और सर इसका जो घर है वो यहां पे मिलेगा। दोनों की टाइम कोऑर्डिनेट सेम हो गए ना। टाइम कोऑर्डिनेट सेम हो गए मतलब दोनों सेम टाइम पर घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं।
रास्ते में चलते चलते किसने किसको ओवरटेक किया और कितनी बार किया, ये बताना है आपको। बताओ जल्दी, रास्ते में चलते चलते किसने किसको ओवरटेक किया और कितनी बार किया। सेम ग्राफ की स्टडी करो। मैं आपसे पूछता हूं क्या कभी दोनों कहीं मिले होंगे, मतलब ए और बी दो बच्चे थे, दोनों चल रहे थे, तो क्या कभी मिले होंगे दोनों? हाँ, कहां मिले होंगे बताओ। सर जहां पर दो लाइनें मिल रही है ना, वहां पर ये दोनों मिले होंगे, ये यही बता रहा है ग्राफ। हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर दो लाइन जहां पे मिल जाती है ना, वहां पे उनके कोऑर्डिनेट कॉमन होते हैं। तो यहां पर बस उसी बात को हमको थोड़ा सा समझदारी से यूज करना है कि जहां पे दो लाइनें, मतलब ये दो बच्चों की वेलोसिटी या दो बच्चों के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पे ये दोनों मिले होंगे ना, वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वहां पर तो ये दोनों मिले होंगे। इसके बाद में देखो ए की स्पीड, अब इस पॉइंट से देखो, अब इस पॉइंट से ध्यान से देखो स्पीड, ये ए की स्पीड है थीटा वन एंगल पे, और ये बी की, मतलब इस लाइन पे कहीं भी बना दूं मैं, है ना, ये थीटा टू एंगल बी की स्पीड है, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, है ना। तो इस पॉइंट के बाद क्या दिखेगा तुम्हें, इस पॉइंट के बाद दिखेगा कि बी आगे हो गया है ए से, और इस पॉइंट के पहले, इस पॉइंट के पहले क्या था, बी पीछे था ए से। तो यहां पर क्या बी ने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि बी की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा थी, हमने अभी करा था सॉल्व। तो बी ओवरटेक ए कितनी बार हुआ ऐसा, ओनली वन टाइम। तो आंसर क्या होगा इसमें, सर आंसर होगा बी ओवरटेक ए वंस। समझ गए हर कोई, क्या क्वेश्चन एकदम अच्छा था, सारी बातें इसने समझा दी जो हमने कल पढ़ी थी क्लास में, बोलो यार। हाँ सर, इसने सारी बातें समझा दी जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, बाकी मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, ऑलमोस्ट ग्राफ तक सारे सॉल्यूशन है, बीच का थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, बाकी मैंने सारे सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, बाकी मैंने सारे सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल प्रांशु, हाँ यूट्यूब पे कर दिए हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तुम एक बार चैनल पे देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एक्सरसाइज वन काइनेमेटिक्स, ऐसे करके मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, वीडियो सॉल्यूशन है बेटा। एक्सरसाइज टू भी होगी, समय तो दो, मतलब मैं इंसान हूं ना, रोज 30-30 क्वेश्चन के वीडियो बनाना आसान नहीं है। हाँ थीटा वन कैसे ग्रेटर है थीटा टू से, अरे यार बेटा ये लाइन का, यार कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाते हो, ये लाइन और एक बना दी मैंने ऐसी लाइन, चल जल्दी से इनका थीटा बता, ये और ये, इसमें कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा वन या थीटा टू, तो बस थीटा टू ही तो लिखा है मैंने, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, सौम्य महाजन, है ना। अब ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब है यहां पर दोनों मिले इस पॉइंट के बाद, इसकी स्पीड ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में। देखो ऐसे समझो इस बात को कि अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते, जैसे कि यही पॉइंट से ए भी चालू होता और इसी पॉइंट से बी भी चालू होता, अब दोनों, इसकी स्पीड होती 50 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड होती 20 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली बात थी बी ने हमेशा ही आगे रहना है, बी ने हमेशा ही आगे रहना है। लेकिन बेटा अगर मैं सेम क्वेश्चन ड्रॉ करूं, इसने यहां चालू करा, बीस मीटर पर सेकंड से ये जब यहां आ गया था तब इसने चालू करा 50 मीटर पर सेकंड से,
अब जो ये स्पीड का डिफरेंस है टाइम के साथ, दोनों आगे चलते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब दोनों मिलेंगे, वो रहा ये पॉइंट। अब इसके बाद देख, इसके बाद ये दोनों मिल गए यहाँ पे, मिलने के बाद तू खुद बता कौन आगे रहेगा कृष्णा दोनों में से, यही वाला केस बन गया ना, बी आगे रहेगा, तो बी ने ओवरटेक कर लिया ना ए को। जवाब दो यार, जब तक नहीं मिले थे तब तक समस्या थी, जब मिल गए तो ये वाला केस बन गया। अब क्लियर है, ओवरटेक में कोई ग्राफ का इतना लॉजिक नहीं है, नॉर्मली उसको देखेगा तो भी समझ में आ रही है ना बात, कि जहां पे मिल गए तुमने माना कि इस ये वाले पॉइंट पर मिल गए थे, अब ये वाले पॉइंट के बाद ऑब्वियस सी बात है कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा है तो बी अब ए से आगे निकल जाएगा, जबकि पहले ए आगे था बी से। ठीक है चलो, तो यहां तक के और हमारी बातें हुई, ठीक है ना, आप समझ में आया। हाँ बिल्कुल, अगर बी सेम टाइम पे होता निधि तो नहीं होता, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, फोर्थ क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन, मैंने होमवर्क नहीं दिया था ना, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग। हाँ कॉपी में ही करना है बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चन कॉपी में कर लो, तो जब ग्राफ रिवाइज करोगे तुम्हें सामने दिख जाएंगे। करो जल्दी सॉल्व, चलो हम डिस्कस करें। अगर हम इनको डिस्कस करें, अगर हम इनको डिस्कस करें तो क्या हो रहा है, देखो हम तो पूरा क्वेश्चन समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो डिस्टेंस और प्लस माइनस साइन का यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, आपने ये भी पढ़ाया था हमें। यहां तक की दोनों बातें हमको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, कोई दुख नहीं है, बोलो। चलो अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस पूछा है। अब टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला पूरा एरिया। ये वाला पूरा एरिया निकालना है, बोलो। अच्छा ये वाला पूरा एरिया कैसे, तुम्हें ट्रेपेजियम का एरिया पता है क्या, ऐसे जनरली पूछ रहा हूं मैं, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बताना जरा, फॉर्मूला क्या बोलते हो। हमने तो ऐसे याद किया है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ऐसे याद किया है हमने। ये हो गई पैरेलल साइड दोनों, और ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस एच नाम ले लो, हाइट बोलते हैं, है ना, ये याद है ना सबको, ये आ जाएगा बेटा कभी भी यूज।
ठीक है, अब ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल तो कर ही सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां पे आंसर बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है। पहले छोटे वाले ट्राइंगल का मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं क्या? हाफ बेस इंटू हाइट दो। अरे बोलो यार, दो और दो चार, एक और दो दो, हाफ इंटू एक इंटू आठ चार, हाफ इंटू पांच इंटू दस पच्चीस। बोलो यार, पच्चीस, चार और चार आठ, आठ और चार बारह, तो हमारा आंसर आ रहा है पच्चीस प्लस बारह, टोटल डिस्टेंस कितना चलना है 37 मीटर। बोलो यार बच्चों, अरे मैंने एरिया निकाला है यार ट्राइंगल रेक्टेंगल का, लिखवाऊं क्या फॉर्मूले ट्राइंगल रेक्टेंगल के? कोई मासूम जो लिखना चाहता हो? ठीक, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? हम तो सर फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला है 37, और ये डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा है? देखो टाइम की एक्सिस पे पूरा डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ है, 10 सेकंड में। कितने में कवर हुआ है? ग्राफ पे देखो टाइम की एक्सिस पे ब्लू वाली लाइन नीचे बनाई है 10 सेकंड्स में, तो 37 बाय 10 विल बी 3.7 मीटर पर सेकंड। इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो इट्स वैल्यू। ग्राफ के इस पार्ट में कहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू कितनी है, बताते हैं। देखिए पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या देने वाला है? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पर एक बार स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर कर रहा है और यहां पर कर रहा है, यहां पे तो स्लोप जीरो ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जीरो से ए में कल आपने स्लोप का कैलकुलेशन करना सिखाया था, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेना चाहिए 2, 2, 0, 0। तो यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे कितना आ रहा है सर? ये वाला स्लोप आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्लोप 0। अब बी से सी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट लिखो 4, 2 और सी के कोऑर्डिनेट लिखो 5, 10। अब क्या लिखोगे सर? अब लिखेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस बी अपॉन में टाइम जो भी लगा होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। तो यहां पर देखें तो सी माइनस बी मतलब 5 माइनस 5 क्यों लेंगे, 10 लेंगे, सॉरी, अरे वेलोसिटी तो 10 है ना, 10 माइनस यहां पे वेलोसिटी 2 है, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 5 माइनस 4, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई, एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी से डी में भी कर लेते हैं। जब हम सी से डी में करेंगे तो सी पे तो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, डी पे क्या होंगे 10, 0। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं हम इतनी देर से, यहां भी यही लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, फाइनल टाइम हो गया 10, इनिशियल टाइम था 5, माइनस 10 बाय 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सिलरेशन इज मैक्सिमम। पहली बात तो एक्सिलरेशन बोल रहा है, और लास्ट वाले में जो तुम्हें मिला है उसको अंग्रेजों ने रिटार्डेशन नाम दिया है, ये रिटार्डेशन है।
एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बी टू सी में, तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा बी टू सी और उसकी वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना। उसके बाद में उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 आया था ना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, समझे? हाँ बोल सकते हो, रिटार्डेशन बोला है तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिख दो, बिल्कुल समझ गए इतनी कहानी हर कोई। क्या ग्राफ पढ़ना आए, ग्राफ का रिलेशन समझ में आया? अच्छा तो इन्हें कहते थे, अभी हमारा होमवर्क हुआ कंप्लीट, इन्हें कहते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद उनकी सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, उनके अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, उसका स्लोप क्या देता है, ये सब पढ़ा तुमने। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो तुम्हें ही सॉल्व करने हैं, ठीक है? अभी सब कुछ लिख लिया ना इसमें से कि लिखना है, लिखना हो तो लिखो फटाफट, जिस किसी को भी लिखना है लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो। पांच का कैसे होगा रिटार्डेशन, 10/5 किया है ना, 10/5 तो 2 होता है। अरे देखो ना, रिटार्डेशन में स्लोप लिखोगे ना, ये तो स्लोप ही तो लिखा है 10/5, 10/5 क्या आता है, 2। कैसे आएगा बेटा -5, समझाना मेहुल मेरे को, समझाओ मेहुल मेरे को, समझाओ जल्दी से कैसे आ रहा है -5, मेरा तो -2 आ रहा है, कंफ्यूजन कहाँ है बताओ। -2 ही आएगा बिल्कुल, कल मैंने लिखना तो सिखाए थे स्लोप। हाँ फिलहाल में मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ टेस्ट में नहीं आएंगे, बिल्कुल टेस्ट में सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी तक आएगा, ग्राफ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए आगे चलें, चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। अपन तो अभी सीखेंगे क्वेश्चंस है ना, ड्रॉ दी, मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी यू, इट रीचेस अ सर्टन हाइट एच and comes back to the same point A. A से फेंका था, A पर ही आ जाता है। ठीक है, A से फेंका था और A पर ही आ जाता है।
ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन। क्या हुआ, ए से फेंका था पार्टिकल को और पार्टिकल ए पे ही आ जाता है। मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, डिस्प्लेसमेंट होने दो, जीरो बिल्कुल होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये टाइम एक्सिस, अरे उल्टी बना दी, ये हमारी वेलोसिटी की एक्सिस हो गई और ये हमारी टाइम की एक्सिस हो गई, है ना। देखो बेटा मेरी कुछ बातें सुनो आप लोग, थोड़ा सा मैं लेक्चर से अलग बता रहा हूं। मैं अभी ना आपके कुछ कुछ डाउट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारे वीडियो सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूं। ऑलमोस्ट डेली मैं 30-35 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ और अभी बैठ करके सारे सॉल्यूशंस बनाता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। एक बार ये सॉल्यूशन रेडी हो जाएंगे तो आपको आपके मतलब अगर टोटल 300 क्वेश्चन है तो आपके वैसे तो ज्यादा डाउट आएंगे नहीं, और अगर आते हैं तो बहुत कुछ उसी से क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से फिर पूछोगे तो मैं बता दूंगा। फिर आप मेरे से क्या पूछोगे कि सर हमको सॉल्यूशन तो पूरा समझ में आया लेकिन उसकी ये स्टेप समझ में नहीं आई, तो हम प्रॉब्लम पे वर्क कर पाएंगे। जैसे कि सर आपने डायरेक्शन कैसे लिख दिया, हमको ये समझ नहीं आया यहाँ पे क्या किया आपने ऐसा डायरेक्शन लिखने में। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी नहीं समझाना पड़ेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो तुम्हें आता है ना। तो थोड़ा सा मैं अभी एकाध दिन की और बात है कि मैं तुम्हारे डाउट्स नहीं बता पा रहा हूँ, हालांकि अब बहुत कुछ वीडियो सॉल्यूशन बन गए तो उसी में से तुम्हारे डाउट सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। ग्राफ वाले अभी खुद करो एक आध दिन, उसके बाद सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करना, एकदम से मत करो। ग्राफ वाले अभी खुद करो और अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी बस सीखो ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना सीखना चाहिए। अब देखो शुरुआत में क्या हो रहा है सर, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हमारे पास में कुछ वेलोसिटी थी क्या। खुद सोचो दिमाग में कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा था टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, तब हमारे पास में वेलोसिटी थी या नहीं थी। जवाब दो मेरे को यस और नो। क्या जब मोशन चालू हुआ टी बराबर जीरो पे तो वेलोसिटी थी या नहीं थी। अच्छा अगर वेलोसिटी नहीं होती तो पत्थर मजे में ही ऊपर जाता क्या। पत्थर क्यों ऊपर जाता, तुम्हारे सामने तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है ना, ये ऊपर जब ही जाएगा जब इसके पास ऊपर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी। थोड़ा इस पे जोर दो हैं,
इसका मतलब तो ये है सर कि जब मोशन स्टार्ट हुआ ना, तब हम ओरिजिन पर तो नहीं होने वाले, क्योंकि तब हमारी कुछ वेलोसिटी थी और वो भी पॉजिटिव थी, यहां थे हम, टाइम जीरो था लेकिन हमारे पास कुछ वेलोसिटी थी, है ना। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, ये रहा T1 टाइम, यहां तक कितने बज गए घड़ी में, T1 बज गए। T1 टाइम तक पहुंचने में वेलोसिटी क्या हो रही है सर, वेलोसिटी घट रही है, जीरो की तरफ पहुंच रही है। T1 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये रहा T1 टाइम, यहां से यहां तक में वेलोसिटी घटकर कैसी हो गई, जीरो। और इसका स्लोप भी नेगेटिव एक्सिलरेशन देगा, देखो ध्यान से। और वाकई में यहाँ पे एक्सिलरेशन अपोजिट टू मोशन लग रहा है, माइनस जी। अरे यार बच्चों, तुम बोलते नहीं हो हाँ या ना, मैं बिल्कुल नहीं रटवा रहा हूं, मैं सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ, जैसे जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, हमारी वेलोसिटी घटने लगी, और ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं थी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू की थी, प्लस यू की। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा सर, जब हम नीचे आते हैं ना, तो हमारी वेलोसिटी जीरो से बढ़ना चालू करती है, वाकई में वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई है, बढ़ना चालू करती है। अच्छा, बढ़ने दो वेलोसिटी को, बढ़ने दो वेलोसिटी को, और ग्राउंड पे आते आते तो सर खूब बढ़ जाती है वेलोसिटी। तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, है ना। वेट मी होल्ड फॉर अ वाइल, है ना, ऐसा बनना चाहिए। अरे भैया, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ यहीं से और नीचे जाएगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू हो रही है ना, माइनस यू बनना है वेलोसिटी को। संस्कार, तुम पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो, तुम अभी लॉग आउट हो जाओ क्लास से, इमीडिएट क्लास छोड़ दो और पहले रिसर्च करो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बाद में कल आना मेरे से पूछना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब बच्चे पागल है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तुम अकेले होशियार हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके क्या होगी, माइनस यू, क्या होगी, माइनस यू। और यही कुछ हो भी रहा है यहां से यहां तक में, यहां पर, क्योंकि क्योंकि लाइन ऊपर क्यों नहीं बनी, पहला रीजन तो लाइन ऊपर नहीं बन सकती सर, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन नहीं। दूसरा, अगर लाइन ऊपर बन जाएगी तो स्लोप पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा और प्लस जी आएगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव नेचर का ही है, माइनस जी ही है, अभी भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं हुआ है। आई बात समझ में हर किसी को, अगर हमको बातें ध्यान हो, स्लोप की, वेलोसिटी की, थीटा की, तो हम ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम क्वेश्चन, ड्रॉ दी स्पीड टाइम ग्राफ। सेम क्वेश्चन, ड्रॉ दी स्पीड टाइम ग्राफ। ड्रॉ दी स्पीड टाइम ग्राफ, हाँ वो भी कह सकते हो, बिल्कुल साक्षी। कैसा फिगर बनेगा इसमें, हाँ जब तक के स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम देखें तो शुरुआत में पार्टिकल कहाँ खड़ा था, पार्टिकल खड़ा हुआ था ए पर, ए पर उसके पास में वेलोसिटी थी क्या,
अगर उसके पास वेलोसिटी ना होती तो वो ऊपर कैसे जाता? इसका मतलब ए पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी, इट हैज सम वेलोसिटी विच इज प्लस यू। तो समय शून्य पर अब हम ग्राफ ओरिजिन पर नहीं बनाएंगे, कहां बनाएंगे? इस पॉइंट पर। लॉजिकल है बिल्कुल, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, जीरो नहीं है तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ए से बी जाने लगा वेलोसिटी घटने लगी क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था। फिर बी के बाद में क्या हुआ, जब ये बी से रिटर्न आने लगा ए पे तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा था लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ था, दैट इज माइनस। तो ये लाइन ऐसी बनेगी, एक्सटेंड हो गई ये लाइन। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है और कहां तक आएगा? माइनस यू तक आएगा, देख लो। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ की। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनता है, मैं चलो बनाता हूं। इस पॉइंट पे स्पीड देखो, ए पॉइंट पे स्पीड को ऑब्जर्व करो। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो रहा था? सर स्पीड घट रही थी, क्या हो रहा था? स्पीड घट रही थी। तो ए पॉइंट पे हम यहां खड़े होंगे, यहां से स्पीड घट रही है। टी वन टाइम पर क्या हो गई? स्पीड जीरो। उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं स्पीड तो बढ़ रही है क्योंकि माइनस जी और माइनस वी एक ही डायरेक्शन में तो है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे स्पीड के लिए नीचे क्यों नहीं गए? अरे नेगेटिव स्पीड होती है क्या? स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, कि स्केलर क्वांटिटी। अरे स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो नेगेटिव कैसे बना दोगे उसको? पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा नीचे आने पे तो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। समझ गए? स्पीड टाइम ग्राफ समझ में आया सभी को? अच्छा, अब ये लीनियर रिलेशन क्यों आ रहा है इसमें? आपने यहां पे अब देखो, डाउट ऐसा भी आ सकता है कि सर इसमें आपने ऐसा कर्व क्यों नहीं बना दिया? तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, टाइम और वेलोसिटी को जोड़ने वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो इसीलिए क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कर्व क्यों बनाऊंगा मैं यहां पे? ऐसा क्यों बोलूंगा कि दो पॉइंट को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ो? क्यों बोलूंगा मैं ऐसा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिक भी समझ में आया ना कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों चूज करी सर ने? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन देगा, और स्पीड टाइम का स्लोप तुम बताओ कुछ देता है क्या? स्पीड और टाइम का स्लोप कुछ देता है क्या? फिर चलो, समझ गए यहां तक? अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, पहले वो लिखो नहीं तो मैं स्किप कर जाऊंगा। एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 158। मैं भी टिक कर लेता हूं, रुको। एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 158। One twenty-four, इतने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनको लिखो, मतलब
122 भी ले ही लो यार। ये होमवर्क है आपके लिए, इन्हें आज घर पे बैठ के सॉल्व करना। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बिल्कुल। 133 भी ले लो। चलो तो यहां तक की बात हमको समझ में आई सर, यहां तक कहानी क्लियर होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ तुम लोग बनाओगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। Draw its displacement time graph. चलिए दो मिनट बंशिका, अभी थोड़ी देर से पूछना मेरे से। हाँ सौम्य, वो तो मैंने कल सेंड किया ना नया मॉड्यूल, मैं नया मॉड्यूल सेंड कर देता हूं आप लोगों को। दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट। नया मॉड्यूल मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, फिजिक्स मॉड्यूल काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब मैंने सेंड कर दिया है, अभी देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, सर जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बॉडी को जमीन से फेंका है ऊपर की ओर और ये वापस नीचे आ गई है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट तो होना है जीरो। अब बच्चों के दिमाग में क्या डाउट आता है सुनो, पहले बच्चों के दिमाग में क्या डाउट आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना है तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ तन्मय, अभी तुम्हारे पास नया है ना, तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है इसका, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसा नहीं है भैया, डिस्प्लेसमेंट पूरे टाइम जीरो नहीं रहा है। जब समय शून्य था तब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, उसके बाद कुछ टाइम आया होगा कैपिटल टी, उस पर आकर के डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गया है। इस जीरो से लेके प्लस, इस जीरो से लेके कैपिटल टी के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से। जब कभी भी ग्राफ बनाना हो तो देखो, अब आता है कि क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए या कर्व बनना चाहिए, ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो इक्वेशन लिखो, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या यही इक्वेशन लगाओगे तुम लोग सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल? तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में, जो इक्वेशन आ रही है वो कैसी आ रही है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पैराबोला बनता है सर, पढ़ाया था आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला बनता है। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा। अब पॉइंट मार्क करते हैं, जब समय जीरो था तब हम ओरिजिन पर ही खड़े थे और ये थी हमारी हाइट h। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम मैक्सिमम हाइट पर आए, और मैक्सिमम हाइट से जैसे जैसे समय घटता गया हम नीचे आए।
ये हो गया वो टाइम जिस पर हम नीचे आए, और ये वो टाइम था जब हम नीचे ही थे। बोलो क्लियर हुआ क्या हर किसी को? अब मैं इसमें और लॉजिक बताता हूं जो एक और कंफ्यूजन बच्चों को होता है। नहीं होता है तो जब तुम एक आध दो महीने बाद वापस प्रैक्टिस करोगे तो होगा। देखो सर कर्व तो ऐसा भी बन सकता था, लाल कलर वाला कर्व भी तो बन सकता था, आपने काले कलर का ही क्यों बनाया? ये लाल कलर वाला भी बन सकता था, आपने काले कलर वाला क्यों बनाया? है ना? अब मेरी बात सुनना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी क्या हो रही है? सर वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। ऐसा नहीं होता तन्मय, ध्यान से देखो, वेलोसिटी घट रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी घटना चाहिए। काले वाले में तो घट रहा है सर, और इस पॉइंट से नीचे आ रहे ना तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ओवरऑल डिक्रीजिंग नेचर का है काले वाले में, और ऐसा ही हम चाहते भी हैं। ब्लैक वाले में क्या हो रहा है? सर ब्लैक वाले में ना स्लोप कंटिन्यूअसली घट रहा है। देखो ध्यान से, स्लोप कंटिन्यूअसली घट रहा है ब्लैक वाले में। अब लाल वाले में देखो, स्लोप बढ़ रहा है, शुरुआत में ही क्या हो रहा है, ऊपर जाते टाइम ही स्लोप बढ़ रहा है। देखो थीटा बढ़ रहा है क्योंकि, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई? इसीलिए कभी भी रेड वाला ग्राफ बनाया नहीं जाता, मतलब कभी भी नहीं, मतलब इस सिचुएशन में रेड वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हर किसी को समझ में आया क्वेश्चन? कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। इस बात को लिखो कॉपी में, अभी धीरे धीरे सीखेंगे बेटा। वो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, कोई मोशन हो रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या है वो मोशन। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, ऐसा बना है एक्सटी ग्राफ। XT मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है? यहां पे पूछ रहा है कि ये वाले ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका है? मोशन अंडर ग्रेविटी का, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो अल्टीमेटली उसने तुमसे पूछ लिया है ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां से चालू हुआ, मैक्सिमम हाइट तक गया, नीचे आया, टोटल समय लगा 2t, यहां पे समय लगा t। ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, थोड़ा सोचना आज घर पे बैठ के, भले इसे गलत ही ड्रॉ होने देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ड्रॉ होने देना, पर एक बार आप लोग खुद ड्रॉ करना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और क्या करोगे इसके बाद? मुझे मैसेज करोगे, मुझे सेंड करोगे, हर कोई जो आपको पहले प्रैक्टिस करना, फाइनल करना, जब फाइनल बन जाए तो जो तुम्हारी फाइनल इमेज आएगी वो मेरे को सेंड करना, मैं भी तो देखूं तुम क्या सॉल्व करते हो, तो मुझे हर एक एक बच्चे का पता लगेगा। अभी मत बताओ क्या बनेगा, है ना, आराम से पढ़ना सीखना और फिर मुझे फाइनल बनाकर बताना क्या बन रहा है, सेंड करना मेरे को। चलो अब थोड़ा सा और क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होंगे सर? देखो
ठीक है ना, आगे बढ़ जाए ना। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, लिखो आप लोग लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट A particle is moving from rest and its acceleration time graph is given. क्या पूछा है आपसे? Find the velocity at t equal to 4 second. Find velocity at t equal to 4 second पे velocity बताओ। Time हो गया यार, 4:18। चलिए पहले आप लोग ये करिए सॉल्व, अभी 2 मिनट है हमारे पास, हम कर लेंगे डिस्कस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इस पे वेलोसिटी पूछी है, टी इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी पूछी है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, कल ही पढ़ाया था। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, कल पढ़ाया था। इसके अंदर का एरिया 4 सेकंड तक क्या देगा? 0 से 4 में जो भी वेलोसिटी चेंज हुई है वही देगा ना हमको। वी माइनस यू बराबर ए इंटू टी, यही देगा। अच्छा, क्या देगा ये? एरिया अंडर वेलोसिटी। क्या जो मैंने स्क्रीन पे लिखा सबको समझ में आया है? एरिया अंडर वेलोसिटी v माइनस u, कल भी पढ़ाई थी मैंने ये बात। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे 0 है क्योंकि हम यहीं खड़े हैं, तो u तो हो गया 0। अब यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, हाफ, बेस है 4 और हाइट है 20। ओहो, 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई वेलोसिटी? टी बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। क्या हर बच्चे को ये बात समझ में आई है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives velocity, ये कॉन्सेप्ट लगाया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होता तो बेटा ये ग्राफ यहां से चालू होता, तो यहां पे हमें u की वैल्यू कुछ देकर रखता, मैं यहां पे u की वैल्यू पुट कर देता, ठीक है? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज की क्लास में हमने जो कल ग्राफ पढ़ा था उसी के क्वेश्चन करें। कल हम और आगे के क्वेश्चन सीखेंगे ग्राफ में,
जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ होंगे। आज की क्लास की सारी कहानी समझ में आई है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जितने मैंने होमवर्क दिए हैं वो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, जितना होमवर्क दिया है वो सॉल्व करना है, और एक जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका ग्राफ मुझे आज ड्रॉ करके मैसेज करोगे। अभी जल्दी से मत करना, क्लास खत्म होते ही समझना, समझदारी से ग्राफ बनाना, और फिर मुझे रात तक मैसेज करना कि क्या ग्राफ बनाया है तुमने, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।